हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए अंजनेलु मूवी के एमएस नारायण इंटरव्यू का रिएक्शन। एंड ये जो है ये आप लोगों के कमेंट्स की वजह से है, बिकॉज हमें तो पहले से दो पहले बताए गए थे वो दो सीन थे जो हमने कर लिए, लेकिन फिर जो एमएस नारायण इंटरव्यू है ये मैंने उन दोनों मूवी सीन्स के अंदर नीचे इतने सारे कमेंट्स पढ़े कि एमएस नारायण इंटरव्यू पढ़ो, वो देखो, वो और ज्यादा फनी है, वो बहुत फनी है, बहुत फनी है। जो लोगों की है वो ही हम देखेंगे और देखते हैं कैसा होता है। यस, हमने जो लास्ट सीन देखे थे वो काफी कॉमेडी रहे थे। मतलब पता चल रहा था कि रवि तेजर सर का रोल कैसा है, ब्रह्मानंदम जी कैसी कॉमेडी कर रहे हैं, बट आके ना दोनों कहीं ना कहीं से फंसे जा रहे हैं। और लास्ट सीन में ब्रह्मानंदम सर तो काफी बुरी तरीके से फंस गए थे, एंड सोनू सूद के साथ साथ वो सीन था। तो अब देख लेते कि ये सीन आप लोगों ने इतना रिकमेंड किया, प्लस कुछ इंटरव्यू सीन है तो इसमें देखने में और मजा आएगा कि किस तरीके से कॉमेडी होती है। तो देखते कि इसमें क्या होने वाला है। तो बहुत कमाल करते, फिर आप भी देखो, मिलते हैं। काम में आए ऑफिस में बैठे लग रहा है कैसे एक सेकंड में पड़ गए। मैं जीवित हूं, ये पूरा छोड़ा लेना ना, सुंदरी 17-25 को था सर। మీకు మారుతి స్విఫ్ట్ కావాలా? గెన్నా కావాలా? మీకు వస్తే రెండు కావాలి సార్. సురే వస్తున్నావా? ఈ నోటంటే ఒక్క మంచి సరే వచ్చి కార్లో వీళ్ళంటే గేలేకపోతుంది సార్. మనకు ప్రొడ్యూసర్ తగిలాడు, వాడు రెండు వారాల సినిమా తీసాడు, దాన్ని 100 రోజులు ఆడించాలని అందుకోసం రోజు ఒక గంట పాటు మన స్టూడియోకి వచ్చి లైవ్ షో చేస్తాడు. 2 వారాల సినిమా తీసాడు, 100 రోజులు ఆడించేస్తాడు. दो हफ्ते में मूवी बना ली है। पैसे का ही है जो वो देगा। పరిశ్రమలో మీకు మీరే పోటీ అని మిమ్మల్ని మించిన హలో ఏమునించి మాట్లాడుతున్నారు? మీ పేరేంటి? సినిమా చూసారా? కాకపోతే అన్ని నేను దగ్గర నుండి చూసుకుంటా. మీకు కథల పట్ల మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉందని బయట టాక్ ఉంది, అసలు ఎలాంటి కథలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? ఓ డైరెక్టర్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వబోయే ముందు ఆ డైరెక్టర్ లో ఏ ఏ విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు? నైస్ క్వశ్చన్. ముందు కథ నేను బాగా ఫీల్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత దాన్ని తెరకెక్కిస్తాను.
करेंगे अभी ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమా తీసావా? ఆరు. మరి ఏంట్రా అప్పుడు ఎప్పుడో వచ్చిన రైతు బిడ్డ వచ్చి మొన్న వచ్చిన మగదీరాదాకా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నువ్వే పోసిందని ఎవరు కట్టగలుగుతున్నావు? కథల విషయంలో చాలా కీర్తులు ఉంటావా? అసలు విజయ సినిమాలో కథ ఏదైనా ఉంటా? నీ ఫోటో లేట్రా ఎవరో ఓటర్ వేసుకొని హీరో బొమ్మనే నీ మానే ఎత్తవా ఎదవరా ఎదవని ఒరే पूरी ग्रिलिंग करते हैं यहाँ पे रवि तेजा सर, और मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको तो वो उनका एमडी बोल गया था कि भाई चलो कार मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, बिकॉज वो प्रोड्यूसर जो है वो इंटरव्यू देने का पैसा दे रहा इतना सारा, और उनके लिए अच्छा ही हो रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे आदमी से सुन सुन के कि भाई मेरे को इतने दिन तक यही करना पड़ेगा, इसकी तरह बस जिसकी फिल्म की तारीफ करनी पड़ेगी, जो इतनी घटिया फिल्म है कोई देख भी नहीं रहा, और अभी स्टार्टिंग इतनी घटिया हो गई, तो उसके बाद तो फिर वो यहाँ पे चढ़ गया, और वो पहले जो पहली लड़की है वो तो इतनी तारीफ करी, मैं तो तीन बार देख ली, मेरे को तो इस अच्छी को फिल्म मिली नहीं, बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ पे फिर इन्होंने बहुत अच्छा ग्रिल किया। यस, मतलब लेकिन जो लड़की इंटरव्यू ले रही थी ना उसकी भी एक्सप्रेशन से कुछ अलग ही लग रहा था कि लाइक वो भी ऐसे नाम के लिए ले रही है उनका इंटरव्यू, बट उन्हें भी कुछ ऐसा शौक नहीं है, मजा नहीं आ रहा उनका इंटरव्यू लेने में, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी कि वो इतने पैसे दे रहे हैं, एंड ऐसे कौन बोलता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि दो वीक में फिल्म बना के बोलते हैं कि 100 दिन चलेगी, वो तो लाइक पब्लिक डिसाइड करती है, हिट करती है पब्लिक, बट काफी इन्होंने अच्छे से लिया उनको फोन पे, क्या उनकी उड़ाई, मतलब उन्होंने खुद ही फोन काट दिया और वो चले गए, अब पता नहीं कि अब बाद में पूरे टाइम वो उनके साथ ये इंटरव्यू देंगे, एंड लाइक उनका ये डिसाइड हुआ था ना कि हर रोज 1 घंटे का इंटरव्यू उनका चलेगा, अब आई डोंट थिंक सो कि आगे वो इस चैनल के साथ वर्क करेंगे, बट ओवरऑल सीन काफी कॉमेडी था, मतलब हम खुद जो सोच रहे थे कि यार क्या फेंके मार रहा है वो, रवि तेजा सर ने ना उनकी ले ली अच्छी तरीके से, और मेरे ख्याल यही इसी पार्ट के बाद ही मेरे ख्याल से वो एमडी जो है वो ब्रह्मानंद सर को लेके आए, क्रिएटिव हेड इंटेलिजेंट प्रभाकर, तो वैसा वो आए इसके बाद और अब जाके फिर वो उठाएंगे, तो बहुत सही सीन लगा, आप लोग कैसा लगा जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए।